सलार वर्सेस दंकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जहां एक तरफ है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, वही दूसरी तरफ है साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास, जहां इंटरनेट में ऑलरेडी वॉर ऑफ ट्वीट्स शुरू हो गई है। अब बात यह है कि कौन बाजी मारेगा, किसका पल्ला भारी है इस बार। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसको कितनी स्क्रीनिंग मिल रही है, क्योंकि स्क्रीनिंग में बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है इस बार। जहां सलार को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है AA फिल्म्स के द्वारा, जो एनिमल का स्क्रीनिंग भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इस दंकी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पेन स्टूडियोज के द्वारा, जिसने पठान की स्क्रीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये लड़ाई बहुत ही अगली टर्न ले रही है, क्योंकि AA फिल्म्स ने एक कंडीशन रखी है कि वो एनिमल मूवी एक्सिबिटर्स को तभी देंगे अगर वो सलार को ज्यादा स्क्रीनिंग देंगे दंकी से, जिसके वजह से एक्सिबिटर्स की भी लगी पड़ी है, क्योंकि सलार, दंकी, एनिमल, इन तीनों में से किसी भी मूवीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब स्क्रीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जिसको ज्यादा स्क्रीनिंग मिलेगी, जिसको ज्यादा शोज मिलेगा, वही पिक्चर ज्यादा कमाएगा। इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि दोनों पिक्चर में से अगर एक भी पिक्चर बुरी निकलती है तो पहले 3 दिन के बाद वो पिक्चर 4 कंधों में आ जाएगी, पर इसका चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि दोनों पिक्चर अच्छे निकलेगी। और ये मेरे से किसी गोरे कागज में लिखवा के रख दो, क्योंकि दंकी को लिखने से लेके डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी। अब राजकुमार हिरानी, जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiots, PK, संजू जैसे ऑल टाइम क्लासिकल और ब्लॉकबस्टर पिक्चर डिलीवर किए हैं, जिनका फैन राजामौली खुद है, जहां राजामौली ने बोला था कि उनका फेवरेट इंडियन डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी। और दूसरी तरफ है प्रशांत नील, जिन्होंने KGF जैसी माइंड ब्लोइंग पिक्चर बनाई, जिसकी वजह से ऑडियंस ने बहुत उनको पसंद किया और अप्रिशिएट किया। अब अगर हम शाहरुख खान और प्रभास की पिछले फिल्मों के बारे में बात करें, तो प्रभास ने बाहुबली के बाद एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई। अगर प्रभास की जगह कोई और एक्टर होता तो उसका करियर खत्म हो चुका होता। और शाहरुख खान ने इस साल 2000 करोड़ की पिक्चरें दिए, वो हैट्रिक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सलार काटो की तरह रस्ते में आ गया। अब ये कहीं ना कहीं ईगो क्लच भी है, क्योंकि सलार सितंबर में रिलीज होने वाला था जवान के साथ, पर पोस्ट प्रोडक्शन के काम की वजह से पिक्चर पोस्टपोन हो गया था, जिसके वजह से लोग बोल रहे थे कि जवान से डर के भाग गया, जो शायद मेकर्स के दिल पे लग गई ये बात, एंड शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी की रिलीज डेट पे ही उन्होंने अपना सलार रख दिया। अब ये बात तो श्योर है कि दोनों पिक्चर की बिजनेस इफेक्ट होगी क्लेश की वजह से, जहां इंटरनेट में तो ऑलरेडी वॉर शुरू हो गई है, जहां एक साइड से बताया जा रहा है कि दंकी एक रीमेक है CIA फिल्म का, और दूसरी साइड से बताया जा रहा है कि सलार भी एक रीमेक है उग्रम का, जिसको प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था पास में। अब क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी कंपनी क्या टेक्निक्स लगाएगी अपने फिल्म्स को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब हमें आगे पता चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों पिक्चर की लड़ाई कितनी डार्क जाती है मैं आपको बताता रहूंगा। और डार्क से रहता है बैटमैन को तो आप जानती हो, जो डार्क फिल्म है उसके ऊपर मैं भी एक अच्छी वीडियो बनाई, तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम।